15 जून नीम करोली या नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। नीम करोली बाबा के भक्त आज पूरी दुनिया में फैले हुए, आम जनता से लेकर नेता, अभिनेता, विदेश की जानी मानी हस्तियां नीम करोली बाबा के भक्तों में शामिल हैं। इसी वजह से यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, उसकी झोली में एक दिन खुशियां जरूर आती है। अगर आप भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो 15 जून का दिन आपके लिए बेहद खास होगा। दरअसल 15 जून 1964 में कैची धाम आश्रम की स्थापना की गई थी। उसी दिन से हर 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने 15 जून को ही कैची धाम को स्थापना दिवस के रूप में तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी। समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 1974 से 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर को लेकर खास ज्ञान मिल गया था। हालांकि कैची धाम केवल आज ही नहीं बल्कि काफी सालों से प्रसिद्ध है, और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि जब 1974 में एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स ने इस मंदिर का दौरा किया। एप्पल के सह संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के बहुत बड़े भक्तों में से एक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, यहां तक कि पैसों की कमी की वजह से उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। जिंदगी में पल पल पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर उन्होंने एप्पल की शुरुआत की। अपने पिता के छोटे से गैराज से उन्होंने आज के समय की टॉप कंपनी की नींव रखी थी। 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के दरबार में आए थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो रहस्य बन चुका था, उसको जानने के लिए बाबा नीम करोली के आश्रम में पहुंचे। लेकिन बाबा से स्टीव जॉब्स की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि बाबा देह 1973 में त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स भारत में एक टूरिस्ट की तरह नहीं आए थे, बल्कि आध्यात्मिक खोज उन्हें यहाँ खींच रही थी। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव पहले हरिद्वार पहुंचे और इसके बाद वो कैची धाम तक पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्हें पता लगा कि बाबा समाधि ले चुके हैं। स्टीव जॉब्स यहीं रुके, जिसके बाद उनके मन को शांति मिली, साहस मिला, और तब से ही एप्पल कंपनी को नया मुकाम मिल गया। और आज हम देख सकते हैं कि एप्पल कंपनी किस मुकाम पर है। और केवल यही नहीं बल्कि फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। उसके बाद से फेसबुक कंपनी भी नई ऊंचाइयों को छूने लगी। दिव्य कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। पहाड़ों से घिरा यह मंदिर काफी सुंदर नजर आता है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से अभिभूत होकर बाबा ने यह जगह अपने आश्रम के लिए चुनी। कैची धाम मंदिर नैनीताल को नीम करोली बाबा के निर्माण किए गए एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य है, जहां पर्वतीय इलाकों के बीच वातावरण में स्थित होने के कारण यह स्थल भगवान की अद्वितीय सुंदरता को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य भगवान के ध्यान में और श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। कैची धाम मंदिर को स्थापित करने का उद्देश्य नीम करोली बाबा के आध्यात्मिक संदेशों को लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में आध्यात्मिकता को समर्थ बनाना था। इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी आत्मिक शांति और संतोष को प्राप्त करने के लिए आते हैं और ध्यान और भक्ति के अद्भुत अनुभवों का आनंद लेते हैं। कैची धाम मंदिर का दौरा करने से पहले आपको ध्यान और भक्ति की भावना के साथ इस महान स्थल का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर आप अपने आत्मा की ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। कैची धाम मंदिर नैनीताल धार्मिक और पर्यटन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो लोगों को आध्यात्मिकता के साथ सुखद और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ तक कि कई पर्यटक इस स्थल को दर्शन के लिए आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इसे वास्तविक रूप से एक स्वर्गीय स्थल के रूप में जाना जाता है और ये आपके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव प्रदान करता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार साल 1961 में नीम करोली बाबा पहली बार यहाँ आए थे। करोली बाबा ने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर कैची धाम में आश्रम बनाने का विचार किया था। इसके बाद 15 जून 1964 के दिन इस आश्रम की स्थापना की गई।
हर साल भव्य तरीके से आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। स्थापना दिवस पर नीम करोली बाबा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसी को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल कैची धाम आश्रम का 59वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस बार आश्रम के स्थापना दिवस के अवसर पर लाखों की संख्या में भक्तगण आने की संभावना है। दरअसल नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। लोग उन्हें बजरंग बली का अवतार भी मानते हैं और कैची धाम को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। लोगों का मानना है कि नीम करोली बाबा से मांगी हुई हर मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि बाबा के आश्रम में अमीर से लेकर गरीब तक सभी प्रकार के लोग आते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ कैची धाम आश्रम आ चुके हैं। बता दें कि नीम करोली बाबा का कैची धाम आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अलावा उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी स्थित है। नीम करोली बाबा या नीम करोली बाबा या महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा के पास फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में हुआ था। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा उनकी शादी किए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वो अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए और 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित करते थे। उनके कई चमत्कारों की भी चर्चा होती रहती है। नीम करोली वाले बाबा नाम के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। ये कई साल पहले की बात है, शायद तब जब महाराज की उम्र 20 या 30 के आसपास थी। कई दिनों तक किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया और भूख ने उन्हें नजदीकी शहर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने पर मजबूर कर दिया। जब कंडक्टर ने देखा कि महाराज जी बिना टिकट के फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन रुक गई। कुछ बहस के बाद महाराज जी को ट्रेन से उतार दिया गया। ट्रेन नीम करोली गांव के पास रुकी थी, जहां महाराज जी रह रहे थे। महाराज जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए, जबकि कंडक्टर ने सीटी बजाई और इंजीनियर ने छोटल खोला, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। कुछ समय तक ट्रेन वहीं खड़ी रही, जबकि उसे आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की गई। इसे आगे बढ़ाने के लिए एक और इंजन बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो महाराज जी को जानता था, उसने अधिकारियों को सुझाव दिया कि वो उस युवा साधु को वापस ट्रेन में चढ़ा दें। शुरू में अधिकारी इस तरह के अंधविश्वास से हैरान थे, लेकिन ट्रेन को आगे बढ़ाने के कई निराशाजनक प्रयासों के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। कई यात्री और रेलवे अधिकारी महाराज जी के पास आए, जो अपने साथ प्रसाद के रूप में भोजन और मिठाइयां लेकर आए। उन्होंने अनुरोध किया कि वो ट्रेन में चढ़ें। बाबा जी 2 शर्तों पर सहमत हुए। रेलवे अधिकारियों को नीम करोली गांव के लिए एक स्टेशन बनाने का वादा करना होगा, क्योंकि उस समय गांव वालों को निकटतम स्टेशन तक पहुंचने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था और रेलवे को अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अधिकारियों ने जो कुछ उनके बस में होगा करने का वादा किया और महाराज जी अंततः ट्रेन में फिर से चढ़ गए। फिर उन्होंने महाराज जी से ट्रेन शुरू करने के लिए कहा। वे बहुत ही अपमानजनक तरीके से बोले, क्या ट्रेन शुरू करना मेरा काम है? इंजीनियर ने ट्रेन शुरू की। ट्रेन कुछ गति चली और फिर इंजीनियर ने उसे रोक दिया और कहा, जब तक साधु मुझे आदेश नहीं देते, मैं आगे नहीं जाऊंगा। महाराज जी ने कहा, उसे जाने दो, और वो आगे बढ़ गए। तब महाराज जी ने कहा कि अधिकारियों ने अपना वादा निभाया और इसके तुरंत बाद नीम करोली में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया और साधुओं को अधिक सम्मान भी मिलने लगा। ऐसी कई कहानियां बाबा जी को लेकर के प्रचलित है। नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक विरासत और कैची धाम मंदिर का महत्व आज भी लोगों के जीवन में गहरे असर छोड़ रहा है। इनके संदेशों और मंदिर के माध्यम से वे आज भी लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उन्हें आत्मिक ऊर्जा की ओर प्रेरित करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।